हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम दीपिकास किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद जूम बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो आज हम आपके साथ सांभर की रेसिपी शेयर करने आ रहे हैं, जो बहुत ही फटाफट से बन जाती है और फटाफट बनने के साथ साथ सुपर डिलीशियस बनती है। तो अगर फटाफट से अगर सांभर आपको बनाना है तो इस रेसिपी को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने तुअर दाल को आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था अच्छी तरह से वॉश करके। यहाँ पर गैस पे प्रेशर कुकर रख दिया है और गैस ऑन है, तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच जो है वो ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो हम यहाँ पर बिल्कुल पिंच ऑफ जो है वो हींग डालेंगे। यहाँ पर मैंने हींग डाल दिया। अब यहाँ पर मैं डाल रही 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब यहाँ पर कुछ करी पत्ते जाएंगे इसमें, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 लाल सूखी मिर्च। एंड अब यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का जो है वो पेस्ट बनाकर रखा था वो डाल देंगे। अगर आप इसे डालना चाहें तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए, बट इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर आता है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक इसे भूंजेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ी काट कर रखी है, टमाटर, प्याज, कद्दू, लौकी और बैंगन, और एक मिर्च को चॉप कर लिया था तो वो यहाँ पर मैंने डाल दी है। अब बारी आती है प्याज डालने की, तो यहाँ पर प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का भून लेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब बारी आती है मसालों डालने की, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जो है वो हल्दी डाली है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आए। अब बारी आती है सब्जियां डालने की, तो सारी सब्जियों को यहाँ पर एक साथ ही डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने बैंगन डाल दिया, यहाँ पर मैं टमाटर डाल देंगे और यहाँ पर लौकी डाल देंगे। तो सारी सब्जियों को एक साथ ही डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे, पूरी तरह से मसालों में अच्छी तरह से कोट होने तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब बारी आती है यहाँ पर नमक डालने की, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो नमक डाल रही हूँ ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसे हम ढक देंगे, लिड नहीं लगाएंगे कुकर की, केवल ढक कर थोड़ी देर पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट तक सब्जियों को ढक कर पका लिया है मैंने। सब्जियाँ हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं और मसालों का फ्लेवर भी सब्जियों में अच्छी तरह से आ गया है, तो थोड़ा सा चला देंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर चला दिया। अब जो दाल भिगो कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो बस फटाफट से अगर आपको सांभर बनाने का मन हो ना तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करते हैं, बहुत ही फटाफट से जो है वो सांभर बनकर तैयार हो जाता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, तो यहाँ पर मिक्स कर दिया मैंने। अब बारी आती है पानी डालने की, तो यहाँ पर मैं 3 गिलास पानी डालूँगी। ये गया 1 गिलास पानी, ये गया 2 गिलास पानी और ये गया लास्ट 3 गिलास पानी। तो यहाँ पर मैंने कुल 3 गिलास पानी का यूज़ किया है। अब पानी डाला है तो थोड़ा सा हमें नमक भी डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून और नमक डाल दिया है। 5 सीटी आने तक अब हमें इसे पकाना है, तो यहाँ पर लिड लगा देंगे प्रेशर कुकर की और 5 सीटी तक हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विसल अच्छी तरह से पक गया है, ये यहाँ पर मैंने खोल लिया था 5 सीटी होने के बाद, और ये देखिए अच्छी तरह से इसे जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया। अब बारी आती है इमली का पल्प डालने की, तो मैंने पहले ही गर्म पानी में इमलियों को भिगोकर रख दिया था और पल्प निकाल लिया था, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर बारी आती है सांभर मसाला डालने की, तो वो भी इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और 5 से 7 मिनट तक हमें इसे ढक कर अच्छी तरह से उबलने देना है ताकि फ्लेवर और अच्छे से आ जाए इमली का और सांभर मसाले का। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया है और अच्छी तरह से जो सांभर है ना जो बॉईल हो रहा है, पूरे मसालों का फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छे से सांभर में आ जाएगा। तो ज़रूर सांभर को जो है वो आप बॉईल करें। तो देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है, फटाफट से सांभर बनके तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को अगर आप ज़रूर ट्राई करेंगे ना तो बिल्कुल आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सांभर बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल के सारे अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।